बसमनिम असला दोस्तों एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई एक हजार दिनार चाहिए था एक नेक बंदे को उसने कर्ज देने को कहा उस नेक बंदे ने कहा कोई गवाह है तुम्हारे पास वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है उसने कहा कौन आदमी ने कहा मेरा रब वो तेरे और मेरे बीच में गवाह है उस बंदे ने कहा कोई कफील है अगर तू पैसे ना दे सके तो वो दे दे और अगर तुझे कुछ हो जाए तो उस गरीब बंदे ने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है मेरे पास रब करीम का नाम है अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले बंदा नेक था उसने कहा रब के नाम पर रब की कफालत में अल्लाह को गवाह बना के ठीक है मैं तैयार हूँ ये लो तुझे दिनार देता हूँ वक्त वापसी का तय हो गया चला गया पैसे लेकर उस गरीब इंसान ने पूरी कोशिश की मेहनत की कि मैं वक्त पर पैसे लौटा दूँ पूरी मेहनत भी कर ली अल्लाह ने मदद भी की देखिए इन बाज लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं होता इरादा ही नहीं होता फरमाया से पाक में तू लुटाने का इरादा कर रब तेरी मदद भी फरमाएगा लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है इरादा ही नहीं कर्ज वापस लुटाने का फिर जिस तरह बंदे का गुमान है रब पर फिर वो रब भी वैसा ही फरमाता है उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया उस जमाने में बहरी जहाज़ों और कश्ती पर सफर किए जाते थे दरिया के रास्ते वापस आना था वो बंदा आ गया दरिया के किनारे और बड़ी कोशिश की लेकिन कोई कश्ती ना मिली वक्त पर पैसे लौटाने हैं सफर करना है अब सवारी भी मयसर नहीं है सोच सोच कर परेशान था अचानक दिल में एक तजवीज आई उसने एक लकड़ी ली अंदर से खोला हजार दिनार अंदर रखे साथ एक हाथ भी लिखा यार मैं पैसे पहुंच जाना चाहता था मुझे कोई सवारी नहीं मिली कि मैं पहुंच सकता दरिया के उस पार आने के लिए अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूं और ये कहकर वो लकड़ी दरिया में रख दी लकड़ी पानी के साथ चल पड़ी उधर दूसरी तरफ जिसने पैसे लेने थे ऐन मुकर्र वक्त पर दरिया के किनारे आया सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया दिन ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार उसने तो देने ही नहीं झूठा वादा कर कर गया पहुंचा ही नहीं है वक्त पर अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई थी कहने लगा ले जाता हूं शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी ईंधन बनाकर जला लूंगा हंडिया पक जाएगी लकड़ी उठाकर जलाने के लिए घर लाया गुमान था वो नहीं आया वादा करके अल्लाह को वकील कफील गवाह बना कर भी नहीं आया खैर लकड़ी लेकर घर गया बुखारी शरीफ में आया है और जब काटा चीरा उसने उस लकड़ी को कि मैं आग जलाऊंगा खोला तो अंदर से हज़ार दिनार निकल आए खत भी निकल आया अब सामाइन ज़रा समझना उसके दिल में बात किसने डाली कि तू तो लकड़ी में पैसे डाल दे अल्लाह ने उस बंदे को मुकर्रा वक्त पर किनारे भेजा किसने अल्लाह ने लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई ये बंदोबस्त किया किसने अल्लाह ने जब लकड़ी घर जाकर चीरी तो पैसे बाहिफाजत पहुंचाए किसने अल्लाह ने तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानब ही करनी चाहिए हमारी और दिल की तवज्जो सिर्फ़ रब की जानब ही होनी चाहिए फिर हमें इधर उधर बंदों की तरफ नहीं देखना चाहिए क्या ज़रूरत है हमें बंदों की तरफ देखने और ख्वार होने की खैर पैसे पहुंच गए अब वो गरीब आदमी अपनी जगह परेशान था हज़ार दिनार और जमा किया फिर दोबारा एक दिन दरिया के किनारे आया खुशकिसमती से कश्ती मिल गई बैठकर उस भाई के पास गया और कहने लगा देखना मुझ पर बद कुमान ना होना पैसे उस तारीख को भी मैंने जमा कर लिए थे दरिया पर आया था पर कश्ती नहीं मिली थी फिर मैंने लकड़ी चीर कर उसमें पैसे और खत डालकर तेरी तरफ भेज भी दिए थे लेकिन आज भी मैं फिर लेकर आ गया हूँ वो कहने लगा खुश हो जा जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुँचा भी दिए हैं जब लोग अल्लाह को गवाह बनाकर रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं अपनी चाहतों ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियाँ रब करीम की तरफ रवाना करती हैं फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता अल्लाह अपने बंदों को नवाज़ देता है अपना करम कर देता है अल्लाह अकबर